हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही यम्मी, बहुत ही क्विक ब्राउनी की रेसिपी। ये है मदर्स डे स्पेशल, इसको बच्चे और बड़े कोई भी बना सकते हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। यहाँ पर मैंने 15 से 16 ओरियो लिए हैं, जिनको मैं पीसेस में करके एक जार में डाल रही हूँ। इसको हम ग्राइंड करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, और उसके बाद अब हम इसमें 1/2 कप दूध मिलाएंगे। ये रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, ना ही गर्म और ना ही ठंडा होना चाहिए। इसको हम ग्राइंड करेंगे फिर 1 से 2 मिनट के लिए, और ये हमारी ब्राउनी का बेस रेडी हो गया है। यहाँ पे एक बाउल को मैंने ऑयल लगा के ग्रीस किया है, और इसमें मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1/2 टीस्पून दूध ऐड कर रही हूँ। विस्कर की हेल्प से मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। जब ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा, अब हम अपने ब्राउनी के बैटर को माइक्रोवेव बाउल में डालेंगे, हल्का सा टैप करेंगे और इसको माइक्रोवेव करेंगे। मैं इसको फुल हीट पर 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव करूंगी शुरू में, और फिर 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव करूंगी। तो आप चेक करिएगा आपको कितनी हीट की ज़रूरत है। यहाँ हमारी ब्राउनी रेडी हो चुकी है। मैंने इसके कॉर्नर्स हटा दिए हैं नाइफ की हेल्प से, और हल्का सा टैप करके उसको प्लेट में निकाल लिया है। यहाँ पे मैं ब्राउनी के ऊपर पेपर के स्ट्रिप्स लगा रही हूँ, और इसके ऊपर आइसिंग शुगर से हल्का सा डस्ट करूंगी। हमें हल्का सा डस्ट करना है ताकि वो एक शेप में दिखाई दे। इससे हमारी ब्राउनी और अच्छी लगेगी। और अब हम बड़ी केयरफुली इन स्ट्रिप्स को हटा देंगे। लास्ट में मैं इसमें बीच में स्ट्रॉबेरी के 2 पीसेस को लगाऊंगी, और हमारी ब्राउनी बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही इजी, बहुत ही क्विक रेसिपी है। आप ट्राई करिएगा मदर्स डे पर। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।